नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैसी 2 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, पैसी 2 टैबलेट आती है AGM कंपनी की और इसका जो सॉल्ट है, जो उसमें कंटेंट है, कंपोजिशन है, वो है ट्राई हेक्सी फेनिड्रिल। और 2 mg होता है पर टैबलेट में और इसका MRP है 18 रुपये 32 पैसे 10 गोलियों का। तो चलिए बात कर लेते हैं यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग पार्किंसन नाम के रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा मस्तिष्क, जो मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं, डोपामाइन नाम का रसायन पूरी मात्रा में ना बना पाए, तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये डोपामाइन मस्तिष्क में कम हो जाता है, तब पार्किंसन रोग जो है हो जाता है। ठीक है, तो डोपामाइन को बढ़ाने के लिए मान लीजिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो डोपामाइन नाम का एक रसायन होता है, वो कम हो जाए, तब ये पार्किंसन रोग हो जाता है। और उसी डोपामाइन को बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पार्किंसन रोग को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब पार्किंसन है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, पार्किंसन रोग एक बहुत गंभीर बीमारी है। जब ये किसी को हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि मरीज के हाथ पैर जो कांपने लगते हैं, नसों का अकड़ना या फिर सुस्ती रहना पूरे शरीर में, चलने में परेशानी होना, बात करने में जीभ का लड़खड़ाना या फिर होंठ और जीभ का कांपना, नींद ना आना या खाना खाने का मन ना होना, या फिर खाना खाने और निगलने में या बोलने में कोई परेशानी होना, उस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस पैसी 2 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी कंपनियों की आती है इसी सॉल्ट की, तो डॉक्टर चेक करके पेशेंट को फिर ही इस टैबलेट को बताते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से कभी भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसकी जो डोज़ होती है, पेशेंट को 2 टाइम या फिर 3 टाइम भी बताया जा सकता है या फिर 1 टाइम भी दिया जा सकता है, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। और इसे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, साल भर जैसे दिनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पेशेंट की कंडीशन होगी, चेक करके डॉक्टर बताएंगे कि इसे 6 महीने देना है, 3 महीने देना है, या 2 महीने देना है, या 5 दिन देना है, या 10 दिन देना है, या फिर 1 साल देना है, तो वो डॉक्टर चेक करके ही बताएंगे आपको। ठीक है, और भी साथ में बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, उसको भी दिया जाता है। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नुकसान की बात करें, तो इसको लेने से अगर पेशेंट को कब्ज़ होती है पेट में, या फिर धुंधला दिखता है, या फिर भूख नहीं लगती है, चक्कर आते हैं, मुंह सूखता है, सिर दर्द होता है, या फिर मतली, उल्टी, घबराहट, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है अगर पहले ही टैबलेट लेने से, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।